देश की राजधानी पर किस तरह से डबल आफत का अटैक हुआ है ये आपको दिखा रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से सांसों पर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। दिवाली के बाद आज चौथा दिन है जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। आज सुबह भी दिल्ली में AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया। आज भी दिल्ली वालों को सांस लेने में दिक्कत होती रही। दिल्ली और NCR में आसमान पर धुंध छाई हुई है। स्मॉग के पीछे सबसे बड़ी वजह है पराली जलाने से फैला प्रदूषण। वहीं यमुना का पानी अब और भी ज्यादा दूषित हो गया है। यमुना के ऊपर सफेद झाग की चादर साफ नजर आ रही है। सफेद झाग वाले पानी में ही स्नान कर कई महिलाओं ने आज छठ महापर्व की शुरुआत की। दिल्ली में लोग साफ हवा के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं दिल्ली की यमुना की तस्वीरें भी आप देख लीजिए किस तरीके यमुना जो है वो भी अब पॉल्यूटेड हो चुकी है। ये कालंदी कुंज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी यमुना नदी है और जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको इसी तरीके से झाग जो है वो इस यमुना नदी में तैरती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली के प्रदूषण की अगर हम बात करें, वायु प्रदूषण, तो AQI लेवल जो है वो 400 के पार है। तो वहीं इस यमुना नदी की भी तस्वीर आप देखिए, यही वो यमुना नदी है जिसके पानी को रिफाइन करके हम सभी लोग पीते हैं, दिल्लीवासी इसी पानी को पीते हैं। लेकिन किस कंडीशन में अब ये यमुना नदी आपको नजर आ रही है, साफ तौर पर आप देखेंगे जो झाग है वो इस यमुना नदी में जहां तक कैमरे की नजर जाएगी इसी तरीके से झाग आपको नजर आ रही है। हालांकि आज छठ पर्व की भी शुरुआत हो रही है, लोग यमुना में नहाकर अपने घर जाकर जो पूजा की शुरुआत है वो यहां पर करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ महिलाएं भी इस मौके पर घाट पर पहुंची थी, इसी गंदे पानी में इन महिलाओं ने स्नान भी किया और उसके बाद जो आगे की शुरुआत है वो की जाएगी। और आप इस तस्वीर पूरे तरीके से देखिए कि किस कदर जो यमुना है वो पॉल्यूटेड हुई है और इसी प्रदूषित यमुना के अंदर ही लोग अब अपने त्योहार को मनाने के लिए भी बाधित हैं। और आप देख सकते हैं जो किनारे पे ये पानी आ रहा है, किस कलर आप देखिए इस पानी का, कि काले रंग का जो पानी है वो आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि सुबह कुछ महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल पहुंची थी जिन्होंने पूजा की है। आप देख सकते हैं कि जो विधि है पूजा की वो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो पूजा यहाँ पर इसी गंदे पानी में की गई क्योंकि लोगों का कहना है कि उनकी परंपरा है और उस परंपरा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।